بسم الله الرحمن الرحيم इन जिनों से और इन इंसानों से कोई रिस्क नहीं चाहिए। वमा उरीदो अन युतइमून, और नहीं मैं अल्लाह ये चाहता हूँ कि जिस तरह तुम बुतों को खाना पेश करते हो, तुम इंसान और जिन मिलकर मुझे खाना खिलाओ। ना इन्नल्लाहा हुवर रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन, अल्लाह खुद रिस्क देने वाला है, अल्लाह खुद साहिबे कुव्वत है, अल्लाह खुद साहिबे इस्तेहकाक है। क्यों खल्क किया बशर को? जितने भी मुफस्सिरीन हैं, 183 तफासीर सदर इस्लाम से लेके आज तक के जो इस तालिबे इल्म के किताब खाने मौजूद हैं, मैंने जितनी भी तफासीर को देखा, जो सफ़े अव्वल की तफासीर हैं, सब ने इस आयत के माना में ये लफ्ज लिखा है, वमा खलक्तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून ऐ लियारिफून। मैंने जिनों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए यानी अपनी मारिफत के लिए खल्क किया, इसलिए कि मारिफत के बगैर सिरे से इबादत का तसव्वुर मुमकिन नहीं। मारिफत असास है, मारिफत बुनियाद है इबादत के लिए, बगैर मारिफत इबादत की कोई हैसियत नहीं। ला खैर फी इबादत ला तदब्बुर फीह, ये खत्मी मर्तबत ने फरमाया। मारिफत चाहिए, मारिफत तौहीद मिला के। एक मर्तबा हजरत मूसा ने पूछा, परवरदिगार जब देखा कि एक आबिद हमा वक्त खुदा की इबादत मसरूफ रहता है और दिन रात नमाजे पढ़ता रहता है, रोजे की हालत में रहता है और दुआ मुनाजात में मसरूफ रहता है, हजरत मूसा ने ताज्जुब किया बारगाह अहदियत में, परवरदिगार ये तो मुझसे भी ज्यादा इबादत करता है, क्या तेरी बारगाह में इसका दर्जा इबादत के एतबार से मुझसे बुलंदतर है? खुदा ने फरमाया, ना ये तो जन्नत से भी महरूम रहेगा। जनाबे मूसा को ताज्जुब हुआ, का परवरदिगार क्यों इतना बड़ा आबिद जो सिवाय इबादत कुछ नहीं करता? का जाके देखो कि इसकी मारिफत का मैयार क्या है। जब हजरत मूसा पहुंचे और देखा तो वो ये दुआ मांग रहा था, परवरदिगार देख इस चरागाह में कितना हरा हरा घास है, काश कि कोई तेरा खर या गधा होता और मैं उसे ये घास खिलाता। शोरी एतबार से, जहनी एतबार से, मारिफती एतबार से इस दर्जे पे इबादत का वजन मारिफत की बुनियाद पे किया जाएगा, इबादत का वजन मारिफत की बुनियाद पर परखा जाएगा और तोला जाएगा। जितनी जिसकी मारिफत का मेयार बुलंद है, उसकी इबादत का वजन उतना ज्यादा है। ज़र्बे औरों ने भी चलाई है, ज़र्ब अली ने भी चलाई है, लेकिन जब पैगंबर गिरामी इस्लाम ने अली की एक ज़र्बत को तोला तो फरमाया कि अली की ये एक ज़र्बत इस असर में जो अफराद हैं, इंसान ना इंसान तो कम है, जिन तो तादाद में इंसानों से कई गुना ज्यादा है, फिर इसके बाद भी जमाने आएंगे। फरमाया जिन नो इंस की तमाम इबादत, जितने भी जिन और इंसानी तबकात कयामत तक अंजाम देंगे, अली शिबने अबी तालिब की ये एक जरबत उन सब पे भारी है, उन सब से अफजल है। कितनी अफजल है? एक गुना, दो गुना, दस गुना, अरब गुना, खरब गुना, हद नहीं है। इसलिए कि अली की मारिफत की भी कोई हद नहीं है। इबादत का तायुन मारिफत की बुनियाद पर होगा। हक ताला ने बशर को बुनियादी तौर पर अपनी मारिफत के लिए खल किया। एक हदीस कुदसी मारूफ है लेकिन आज तक मुझे उसकी सनद नहीं मिल सकी, अलबत्ता इल्मी एतबार से इसमें मुनाक्षा नहीं किया जा सकता, यानी दलालत के एतबार से इसमें कोई कलाम नहीं है। अगर सनद ना मिले तो ये अलग बात है, बहुत सारे कलिमात मशहूर हो जाते हैं लेकिन किताबों में उनकी सनद नहीं होती। जैसे ये जुमला सैयद शुहदा के साथ मंसूब है कि इनका नदीन मुहम्मद लम यस्तकिम इल्ला बिकत्ली फया सुयूफ खुजीनी, कि अगर दीन मुस्तफा मेरे कत्ल के बगैर नहीं बच सकता तो ऐ तलवारों आओ मुझ पर टूट पड़ो। ये जुमला मंसूब है आका के साथ लेकिन किसी भी मक्तल या हदीस की किताब में मौजूद नहीं। इसी तरह से ये हदीस कुदसी जो मारूफ है और बहुत ज्यादा पढ़ी जाती है लेकिन हदीस की किसी भी किताब में मौजूद नहीं है। अगर आप केल में हो तो मेरी रहनुमाई कर दीजिए। कुन तो कंजम मख्फिया, मैं एक मख्फी खजाना था, अहबब तो लिकई औरफ, चाहा कि पहचाना जाओ, फखलक तुल खल्क
تو میں نے مخلوق کو پیدا کیا. لیکن ہم اس کی سند سے متعلق بات نہیں کرتے. مضمون قرآن کی آیات کے ساتھ ہم آہنگ ہے. جو بات اس نسبی حدیث میں کہی جا رہی ہے وہ قرآن کی آیتوں میں موجود ہے. اللہ نے مجھے اور آپ کو بنیادی طور پر اپنی معرفت کے لیے خلق کیا. فلسفہ تخلیق بشر معرفت پروردگار. اور علامہ طباطبائی نے المیزان میں یہ گفتگو بہت تفصیل کے ساتھ کی. میں اشارہ کر کے آگے بڑھوں تاکہ تمہید استوار ہو جائے. اللہ نے مجھے اور آپ کو معرفت کے لیے خلق کیا, لیکن معرفت کے لیے سب سے ابتدائی بات عارف اور معروف کے درمیان رابطہ شرط ہے. اگر مجھے عقیل بھائی کی معرفت مطلوب ہے تو پھر لازم ہے کہ میرا ان سے رابطہ برقرار ہو. کبھی میں ان کے پاس لاہور میں آؤں, یہ میرے پاس اسلام آباد آ جائیں, یا کسی اور نقطے پر کسی ذریعے سے ہمارے درمیان رابطہ برقرار ہو. جب ملیں گے گفتگو ہوگی, رفتہ رفتہ یہ رابطہ باعث بنے گا کہ مجھے ان کی معرفت حاصل ہو جائے گی. اور اگر کبھی ملاقات نہ ہو اور کوئی رابطہ نہ ہو تو ممکن نہیں کہ مجھے ان کی معرفت حاصل ہو جائے. معرفت کے لیے رابطہ چاہیے. اب مجھے اور آپ کو خدا حکیم نے اپنی معرفت کے لیے خلق کیا, اور معرفت کے لیے بہرحال رابطہ چاہیے. لیکن خالق اور مخلوق کے درمیان رابطہ کیسے برقرار ہو؟ اس لیے کہ مخلوق وہ جن ہو یا انسان جتنا چاہے زور لگا لے وہ کبھی بھی زمان کی حدود سے باہر نہیں نکل سکتا. ایسا وقت آ سکتا ہے ہماری زندگیوں میں کہ وقت نہ ہو. ہاں ایک صورت میں, حدود وقت سے آگے نکل گیا کوئی فصیل شہر پہ تازہ لہو کے چھینٹے. لیکن جب تک حین حیات ہیں ہم زمان کی حدود میں مقید اور محصور ہیں. ہم کبھی بھی زمانے کی حدوں سے باہر نہیں جا سکتے. جب تک سانسوں کا سلسلہ جاری ہے تو انسان زمان کی حدود سے نہیں نکل سکتا, نہ ہی کوئی انسان کبھی بھی مکان کی حدوں سے باہر جا سکتا. جہاں جائیں, چاند پہ چلے جائیں, عطارد پہ چلے جائیں, مریخ پہ, مشتری پہ, زحل پہ, جہاں پہنچ جائیں وہ بھی تو ایک مکان ہے. انسان کبھی بھی زمان و مکان سے باہر نہیں جا سکتا. اور اللہ جس کی معرفت مطلوب ہے وہ کبھی بھی زمان اور مکان کے حصار میں نہیں آ سکتا. اگر اللہ زمان اور مکان کے حصار میں آ جائے تو وہ اللہ نہیں ہے. اس لیے کہ علی پہلے خطبے میں نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ کو لائق اشارہ جانا تو وہ اللہ کی جسمانیت کا قائل ہو گیا, اور جو اللہ کی جسمانیت کا قائل ہو گیا اس نے اللہ کو محدود کر دیا, اور جس نے اللہ کو محدود کیا اس نے ایک جگہ کو اللہ کے لیے معین کر دیا, اور جس نے ایک جگہ کو اللہ کے لیے معین کر دیا پھر دوسری جگہ کو اللہ سے خالی قرار دے دیا. نہ, خدا سبحان ہر جگہ موجود ہے لیکن نہ جسمانی اعتبار سے. وہ کبھی بھی زمان و مکان میں نہیں آ سکتا. جو زمان و مکان میں سما جائے وہ خدا نہیں ہے. اب انسان کبھی بھی زمان و مکان کے حصار سے نکل نہیں سکتا, اور اللہ کبھی بھی زمان و مکان کے حصار میں آ نہیں سکتا. تو جب یہ انسان نکل نہیں سکتا اور خدا آ نہیں سکتا تو اس زمینی اور مکانی انسان کا اس لا زمان اور لا مکان اللہ سے رابطہ کیسے برقرار ہو؟ اور جب تک رابطہ برقرار نہیں ہوگا انسان کی تخلیق کا مقصد حاصل نہیں ہو سکتا, جس کے لیے پروردگار نے انسان کو خلق کیا کہ اسے معرفت حاصل ہو جائے. معرفت کے لیے رابطہ چاہیے, رابطہ ممکن نہیں ہے. یہاں پر انسان کی عقل کہتی ہے کہ ایک ایسی ذات ہونی چاہیے جو زمینی ہوتے ہوئے زمین کی حدوں کو چیرنے کی صلاحیت رکھتی ہو, اور جو مکانی ہوتے ہوئے مکان کی تمام حدود کو عبور کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو. اور اس ہستی کا نام ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس لیے خدا فرما رہا ہے یا احمدو لو لاک لما خلقت الافلاک, اگر تجھے خلق کرنا میرا مقصد نہ ہوتا تو میں اس کائنات کو نہ بناتا. اس لیے کہ کائنات کو پروردگار خلق کرے اور یہ اپنے مقصد تک نہ پہنچ سکے. مقصد تخلیق کائنات حصول کمال ہے. اور توحید کا جو خوبصورت معنی سید علی خامنائی نے بیان کیا, وہ فرماتے ہیں کہ توحید نام ہے کمال انسانی تک پہنچنے میں جو موانع اور رکاوٹیں ہیں ان کو برطرف کرنے کا. توحید ان رکاوٹوں کو برطرف کرتی ہے, ختم کرتی ہے. اس کا نام توحید ہے.
तौहीद बुनियादी तौर पर इंसानों को बाकमाल बनाने के लिए आई। इसलिए आप देखिए कि सैयदा ज़हरा ने अपने तारीखी खुतबे का आगाज तौहीद से किया और चार लफ्ज इस्तेमाल किए आगाज में जो एजाब अंगेज है। हम कोशिश करेंगे कि कलाम फातिमी की जमालियात की तरफ भी कुछ किसी हद तक कुछ कलाम बयान कर सके, लेकिन बुनियादी तौर पर तमहीद उस्तवार हो जाए। तो खत्मी मर्तबत को हक ताला ने इसलिए फरमा रहा है कि अगर ए अहमद आपकी तखलीक मकसद न होती तो मैं इस कायनात को न बनाता। क्यों? इसलिए कि कायनात को कमाल के हुसूल के लिए खल्क किया और बाकमाल बनाने के लिए खत्मी मर्तबत की जात है, और अगर अल्लाह पैगंबर को ना भेजे तो फिर कायनात का बनाना अबस है। जाते खत्मी मर्तबत कमाल महज है और निसाब कमाल इंसानियत है और कमाल बशरी का वो इलाही मंसूर और कानून है, लेकिन कानून सिर्फ तमहीद है और कानून दीबाचा और मुकदमा है निफास कानून का। अगर कानून बनाया जाए और उसके निफास का एहतमाम ना किया जाए तो कानून बराए कानून की अर्जिश नहीं रहती। कानून की अहमियत इसलिए ताकि बाद में इसे नाफिज किया जाए। नबुव्वत कानून है, रिसालत कानून है, आसमानी शरीयत और इस्लाम कानून है। खुदाए हकीम मुमकिन नहीं कि कानून बनाए और कानून के निफास और कानून के इजरा का एहतमाम न करे। कानून के निफास के एहतमाम का नाम है निजाम विलायत। इस आसमानी शरीयत और इस मंसूर जाविदानी आफाकी और इस इंसानी सआदत के अजीम मंसूर और कानून के इस कानून का नाम इस्लाम, नबुव्वत, रिसालत और इसके निफास का नाम निजाम इमामत और विलायत है। इस कानून को नबुव्वत कानून है, रिसालत कानून है, अगर कानून की हद तक रह जाए और निफाज कानून का मरहला ना आए तो ये अबस हो जाएगा। इसलिए हक ताला ने कानून नबुव्वत को और मंसूर रिसालत को बशरियत में जारी करने के लिए निजाम विलायत को मुतारिफ करवाया। इसलिए जो लबो लहजा परवरदिगार ने पूरे कुरान में इस एक मौजू के लिए इख्तियार किया वो किसी और मसले के लिए बयान नहीं किया। कहीं पर भी कुरान में आप कुरान उठाइए, सूरह मुज़म्मिल उठाइए, सूरह मुद्दसर उठाइए, दीगर सूरतें उठा लीजिए और वहां पर जो अल्लाह खत्मी मर्तबत से खिताब फरमा रहे, कभी ताहा कह रहा है, कभी यासीन कह रहा है, कभी मुज़म्मिल कह रहा है, कभी मुद्दसर कह रहा है, कभी फरमा रहे एक कंबल के ओढ़ने वाले, कभी फरमा रहे कि एक कमली के ओढ़ने वाले, कभी फरमा रहे ए हसीन जुल्फों वाले, कभी फरमा रहे इतनी इबादत ना किया करें कि आपके पाँव में वर्म आ जाएंगे, लेकिन एक मकाम पर न ताहा, न यासीन, न मुज़म्मिल, न मुद्दसर, न नाम से खिताब किया, बराहरास्त हक ताला ने मनसब से खिताब किया और तहदीद आमेज लहजा इख्तियार किया। किताबुत तहारा से लेकर किताबुत दियान तक सिर्फ फिक में ये 56 किताबें जिनकी जुजियात और अहकाम की तादाद हजारों में नहीं लाखों में, इसका मतलब पैगंबर ने अपनी 23 साल हयात तय्यबा में ये लाखों मसाइल उम्मत तक पहुंचाए, लेकिन किसी एक अम्र की तबलीग को हक ताला ने दूसरे अम्र की तबलीग पर मशरूत करार नहीं दिया। ये अजीब बात है, सिवाय इस एक बात के कि परवरदिगार ने सारे दीन की तबलीग को मशरूत करार दे दिया इस एक बात की तबलीग पर और फरमाया या अय्युहर रसूल, क्या फैसला कुन, तहदीद आमेज लहजा इख्तियार किया, ए रसूल फौरन फरमाया बल्लिग, पहुंचाइए। और फिर देखिए क्या तहदीद आमेज लहजा है, क्या सख्त लहजा है, फइल्लम तफअल, अगर आपने ये काम ना किया, फमा बल्लगत रिसालता, तो आपने अपनी रिसालत का कोई भी काम अंजाम नहीं दिया, यानी आपका इस कायनात में नबी और रसूल बनकर आना न आने के बराबर हो जाएगा अगर ये एक काम ना किया। मैं पूरी उम्मत मुस्लिमा के आगे हाथ जोड़कर ये सवाल कर रहा हूं कि पैगंबर हर मसले की तबलीग करें लेकिन सिर्फ इस एक बात को छोड़ दें तो वो अल्लाह के कुरान के मुताबिक नबी और रसूल नहीं रहते। उम्मत बाकी सारे कामों पर, सारी बातों पर अमल करे, इसी एक मसले को छोड़ जाए।
اس امت کا کیا بنے گا؟ بلغ وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اس کے بعد جو حق تعالی نے فرمایا واللہ یعصمک من الناس, اللہ تمہیں لوگوں کے شر سے بچائے گا. خمینی بت شکن فرماتے کہ اس آیت کا مظہر اس عالم ہست و بود میں صرف اور صرف فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے. اس لیے کہ ختمی مرتبت فکر مند تھے, پریشان تھے کہ مجھے جو خدا حکم دے رہا ہے میں پہنچا دوں گا, لیکن پیغمبر اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے کہ میرے فرمان کا کیا حال کیا جائے گا, میری وصیت کے ساتھ کیا سلوک روا رکھا جائے گا. تب خدا نے فرمایا آپ اعلان کر دیں, آپ پیغام پہنچا دیں, میں خدا وعدہ کرتا ہوں واللہ یعصمک من الناس, اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا. کس نے ختمی مرتبت کو لوگوں کے شر سے بچایا اور کس نے ان تاریک آندھیوں اور ظلمتوں سے نبی کے پیغام کو بچا کے ہم تک پہنچا دیا؟ خدا نے. کس کے ذریعے سے؟ صرف اور صرف فاطمہ زہرا کے ذریعے سے. فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا مظہر ہیں آیت کے اس حصے کا واللہ یعصمک من الناس. اس لیے خدا نے فرمایا جا احمدو لو لاک لما خلقت الافلاک, اگر آپ کی تخلیق مقصود نہ ہوتی تو میں اس کائنات کو نہ بناتا. ولولا علی لما خلقتک, اگر علی کی تخلیق مقصود نہ ہوتی جس نے آ کر اس قانون کو نافذ کرنا ہے تو میں آپ کو بھی اس کائنات میں نہ بھیجتا کہ پھر آپ کا بھیجنا عبس ہو جاتا. اور اے محمد و علی دونوں سنو, لولا فاطمہ تو, اگر فاطمہ کو اس کائنات میں نہ بھیجنا ہوتا لما خلقتکما تو میں کبھی تم دونوں کو خلق نہ فرماتا. اس لیے کہ اللہ محمد و علی اور علی کے بیٹوں کو اس کائنات میں بھیج دے لیکن اسے نہ بھیجے جو ان سب کی محنتوں کو بچائے, تو خدا حکیم کا مقصد ضائع ہوتا ہے. ختمی مرتبت اور علی کے سارے بیٹوں کی جتنی بھی جد و جہد ہے اس کی بقا منحصر ہے صرف اور صرف فاطمہ زہرا, صرف اور صرف فاطمہ زہرا میں. میں پوری تاریخی ذمہ داری سے آپ جتنا جتنا کہیں گے میں اتنا اتنا بیان کروں گا, تمام تر جزیات کو جس حد تک آپ کہیں گے میں بیان کروں گا, تاریخی شواہد کے تناظر میں عرض کروں گا کہ مقصد خدا کا حصول منحصر ہے ذات فاطمہ زہرا, منحصر ہے ذات فاطمہ. اگر فاطمہ زہرا نہ ہوتی تو کبھی بھی مقصد پروردگار حاصل نہ ہو سکتا, اور اگر جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بغیر مقصد خدا حاصل ہو سکتا تو اللہ کبھی بھی اپنے سب سے بڑے راز کو عیاں نہ فرماتا. فاطمہ زہرا سر عظمہ پروردگار, فاطمہ زہرا حجاب التوحید, فاطمہ زہرا حق تعالیٰ کا سب سے بڑا راز. حضرت امام موسیٰ کاظم فرماتے ہیں کہا کہ پیغمبر گرامی اسلام نے اپنی وفات سے کچھ دن پہلے مہاجرین اور انصار کے برجستہ صحابہ کو افراد کو اکٹھا کیا, جمع کیا علی کے گھر کے باہر, اور علی کے گھر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا سنو اے میرے صحابہ, اس گھر میں علی رہتے, اس گھر میں فاطمہ رہتی, اس گھر میں حسن رہتے, اس گھر میں حسین رہتے. علی راز خدا ہے, فاطمہ راز خدا ہے, حسن راز خدا ہے, حسین راز خدا ہے, اور جس گھر کی چار دیواری کے اندر اللہ کی اسرار اور راز زندگی گزارتے ہیں یہ حجاب خدا ہے. خبردار میرے بعد حجاب خدا کی حرمت کو پامال نہ کرنا. یہ دروازہ فاطمہ کے گھر کا دروازہ میرے گھر کا دروازہ, جس نے میری زندگی میں فاطمہ زہرا کے دروازے کی حرمت کا خیال رکھا اس نے میرے مرنے کے بعد فاطمہ زہرا کے دروازے کی حرمت کا خیال رکھا, اور جس نے میرے مرنے کے بعد فاطمہ زہرا کے دروازے کی حرمت کو پائمال کیا اس نے میری زندگی میں فاطمہ زہرا کے دروازے کی حرمت کو پامال کیا. یہ گھر حجاب خدا ہے, اس گھر اور دروازے کی حرمت کو کبھی شکستہ نہ کرنا. اور اس کے بعد امام موسیٰ کاظم نے اپنے ہاتھوں سے سر پر ماتم کرتے ہوئے فرمایا
वल्ला हिजाब खुदा की हुरमत को शिकस्ता कर दिया गया, वल्ला हिजाब खुदा की हुरमत को पायमाल कर दिया गया। फातिमा ज़हरा हिजाब परवरदिगार, मकसद खुदा का हुसूल मुनहसिर है ज़ात फातिमा में। मेरे अजीजों, हिज़्बे हाकिम ने हर तबके फिक्र को कंट्रोल करने के लिए तदबीर कर रखी थी, इसलिए कि ऐलान गदीर के बाद जो 70 दिन गुजरे, अगर मैं कैफियत पहुंचाना चाहूं फलसफे मिसाल सिर्फ तकरीब ज़हन है, इस वक्त जो पाकिस्तान बिलखसूस आपके पंजाब की कैफियत है, इंसान रात सोते हुए सोचता है कि नहीं मालूम सुबह क्या होगा, कौमी असम्बली का मुस्तकबिल क्या है, सूबाई असम्बली का मुस्तकबिल क्या है, अदालतें कब खुलेंगी, कौन सा नया फैसला आने वाला है, सदर क्या कहने वाला है, स्पीकर क्या कहने वाला है, चीफ जस्टिस क्या कहने वाला है, एक बेयकीनी किसी कैफियत, हर तरफ जोड़ तोड़, हर तरफ मीटिंग्स, हर तरफ सियासत का बाजार गर्म। खत्मी मर्तबत ने मैदान खुम गदीर में जब अली और अली के बेटों की विलायत का ऐलान किया, उस वक्त से लेकर खत्मी मर्तबत की रहलत तक मुसलसल मदीने के अंदर की कैफियत जई थी, मुसलसल मीटिंग चल रही है, मुसलसल गुफ्तगू शनीद हो रही है, गुफ्तगुएं हो रही हैं, बैठकें हो रही हैं, एक दूसरे से मिल रहा है, दूसरा तीसरे से मिल रहा है, और दिन ब दिन जैसे जैसे वह गुजर रहा है इन मुलाकातों में तेजी आ रही है। इस अरसे में बहुत सारे ऐसे अफराद जो मुतमन्नी थे बादस खत्मी मर्तबत कि हम इक्तदार संभालेंगे, वो पहले से जमीन साजी कर रहे थे, जैसे मसलन यहाँ आपके पंजाब में मुल्क के दूसरे हिस्सों से, कराची से, सिंध से बस बड़े बड़े ताजर पहुंच जाते हैं और तजोरियों का मुंह खोल देते, इसी तरह पहले से जोड़ तोड़ के सिलसिला शुरू हो गया। अहद खत्मी मर्तबत की जिंदगी में और सबसे ज्यादा कोशिश बनू उमैया की थी कि बादस खत्मी मर्तबत हम बरसर इक्तदार आने में कामयाब हो जाए और इस्लाम से पहले जो हमारी समाजी हैसियत थी और मुआशरती साख थी वो दोबारा से बहाल हो जाए। सबसे ज्यादा तैयारी खुद बनू उमैया ने कर रखी थी। ये अलग बात कि पैगंबर इकराम इस्लाम की रहलत के मौका पर सरदार बनू उमैया मदीना के अंदर मौजूद नहीं था, वरना सूरत हाल अलग होती, उसे अंदाजा नहीं था, इसलिए कि पैगंबर इकराम इस्लाम की बीमारी सिर्फ 4 दिन तक रही। जुमेरात को बीमार हुए, पीर के दिन पैगंबर इकराम इस्लाम की वफात हो गई और बीमारी से पहले खत्मी मर्तबा चल फिर रहे थे। सरदार बनू उमैया को अंदेशा नहीं था कि पैगंबर इस तरह से अचानक दुनिया से चले जाएंगे। पैगंबर की वफात की खबर उसे शाम में मिली, फिर उसने क्या किया आपके इल्म में, इसके अलावा और भी बहुत सारे तबकात, यहां तक कि इन खतरात से निमटने के लिए खत्मी मर्तबा की कोशिश थी कि जिस ऐलान को मैंने गदीर खुम में 1.5 लाख सहाबा किराम की मौजूदगी में किया, वो अमानत में आसानी से उसके अहल तक मुंतकिल कर दूं और खिलाफत दोबारा से अपने मसीर पर चल पड़े। इसके लिए मुमकिन खतरात से निमटने के लिए और पेशबंदी के लिए और हिकमत इलाहिया के तहत खत्मी मर्तबत ने बाज अफराद को शिद्दत से मामूर किया कि उसामा बिन जैद रूम की तरफ आजिम है, तुम सब पर वाजिब है कि उसामा के लश्कर में शिरकत करो। लेकिन सूरत हाल आपके सामने, आप तमाम तारीखें उठाइए, जो तारीख कहें मैं उसी के हवाले से आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। खुद इमाम मुस्लिम और खुद इमाम इस्माइल बुखारी जिनकी तारीख कबीर है, चाहे तो उससे बयान करें, चाहे तो खुद सियाह सित्ता से अर्ज करूं आपके सामने, खत्मी मर्तबत बार बार ताकीद फरमा रहे हो, ताकीद के बावजूद बाज़ अफराद टस से मस नहीं हो रहे। पैगंबर फरमा रहे जाओ उसामा के लश्कर में शिरकत करो, और उसामा परेशान बैठे हैं मदीने से बाहर, अफराद नहीं आ रहे, और पैगंबर ने फरमाया जब तक ये अफराद ना पहुंचे आपने सफर शुरू नहीं करना। यहां तक कि दिन गुजर रहे और 1.5 महीना गुजर गया उसामा बिन जैद को मदीने के सरहद पर, पैगंबर ताकीद फरमा रहे हैं जाओ, अगर तुमने उसामा के लश्कर में शिरकत न की तो तुम पर अल्लाह और उसके रसूल की लानत होगी, तुम दुश्मन खुदा और रसूल करार पाओगे। लेकिन अफराद नहीं जा रहे, पैगंबर आपकी तबीयत नासाज लग रही है, हम आपको छोड़ के कैसे चले जाए, पैगंबर हुक्म फरमा रहे हैं जाओ। यहां तक के बाद अफराद साए की तरह खत्मी मर्तबत के साथ साथ रह रहे हैं, एक एक बात पे हरकत है, एक एक हरकत और सुकून पर निगाह है। बिलाखिर पैगंबर इकराम इस्लाम की बीमारी शुरू हुई, जुमेरात को पैगंबर की बीमारी शुरू और मौले मुत्तकियान को किसी मकसद के हुसूल के लिए रवाना किया, और अब बेताब पैगंबर की ख्वाहिश है कि इन 4 दिनों में अपने बेटों हसन हुसैन और अली से एक लम्हे के लिए अलग ना हो। लेकिन अली को पलटने में कुछ देर लग गई, पैगंबर ने फरमाया मेरा हबीब कहाँ है, मेरे हबीब को बुलाओ। एक खातून दौड़ती हुई गई और एक बुजुर्गवार को बुला के ले आई, और जब वो आए वो पैगंबर ने आंखें उठाकर चेहरा उठाकर उसकी तरफ देखा, फिर सर झुका लिया, फरमाया ना मेरे हबीब को बुलाओ। फिर एक और खातून गई और किसी और को बुला के ले आई, और जब वो सामने आओ पैगंबर ने सर उठाकर देखा, देखने के बाद फिर रुख दूसरी तरफ मोड़ लिया, फरमाया मेरे हबीब को बुलाओ। और कुछ देर के बाद अली शिबन अबी तालिब जब तशरीफ लाए, पैगंबर इकराम इस्लाम ने अपना हाथ
ऊपर की तरफ से अली के कंधों पर रखा और अपनी रिदा अली के ऊपर डाल दी और बहुत देर तक गिरिया करते रहे। इसके बाद दीगर अफराद जमा हुए। ये जुमेरात का दिन, जब बाकी अफराद जमा हुए, खत्मी मर्तबत ने फरमाया, जाओ कलम दवात ले आओ ताकि मैं तुम्हारे लिए ऐसी शय लिख के चला जाऊं जिसके बाद तुम कभी गुमराह ना हो। जैसी पैगंबर ने मुतालबा किया, कुछ अफराद दौड़ पड़े तेजी से लेके आए, लेकिन किसी ने झड़क दिया, खबरदार ये अल्फाज तमाम तारीखों मौजूद है, बुखारी और मुस्लिम में भी मौजूद है, दीगर बड़ी बड़ी तवारीख में, तबरी में, उस्तुल गाबा में, मुजहब में, इब्ने खलदून में, इब्ने असाकिर में, तारीख बगदादी में, अलबिदाया व नहाया में, तारीख कामिल और दूसरी तवारीख में याकूबी मौजूद है। किसी की आवाज बुलंद हुई, ना रहने दो, इन रजुल यहजुर, ये मर्द हिजियान बक रहा है, नऊज़ु बिल्लाह, और कलम दवात के लिए माने बन गया। अब कुछ अफराद जुरत करके कह रहे थे, क्या हर्च है, दे दो, लिखना चाहते लिख दें, लेकिन कुछ दूसरे अफराद इसी फर्द के हमनवा हो गए और दो दस्ते बन गए, तमाम मुअर्रिखीन ने लिखा, यहां तक के माने हुए और अजवाज की तरफ से आवाजें बुलंद हुई कि जो खत्मी मर्तबत फरमा रहे हैं, दे दो इनको कलम दवात, क्यों नहीं दे रहे, अगर तुम नहीं देते हम लेके आते। फिर दोबारा एक आवाज बुलंद हुई, खामोश हो जाओ ए यूसुफ वालियो, तुम वही हो जब पैगंबर सहजाब होते हैं तो तुम इनके कंधों पर सवार हो जाती हो, और जब बीमार पड़ते हैं तो फिर तुम हमदर्दी दिखाना शुरू हो जाती हो, खबरदार दोबारा मैं किसी की आवाज ना सुनूं। और उसके बाद इतने आवाज बुलंद हुई खत्मी मर्तबत की बीमारी की कैफियत में, फरमाया कूमू अन्नी, उठो मेरे पास से चले जाओ। इस कैफियत में चले गए, यहां तक इब्ने अबी अल हदीद ने 16वीं जिल्द शरह नहजुल बलागा और बाकी किताबों में मुहद्दिसीन ने लिखा कि इब्ने अब्बास जिंदगी भर गिरिया करते थे, एकाश जुमेरात के दिन जब पैगंबर इकराम इस्लाम ने कलम दवात मांगा तो आपको महरूम ना रखा जाता। जुमे का दिन गुजरा, हफ्ते का दिन गुजरा, इतवार का दिन गुजरा, पैगंबर की तबीयत मुसलसल मुतगैर हो रही है, यहां तक के सोमवार के दिन सुबह में पैगंबर इकराम इस्लाम की रहलत हुई। किस हाल में रहलत हुई कि आपका गोद अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम के, आपका सर अली की गोद में था। मैं तफसीलात अर्ज करूंगा, लेकिन मेरे अजीजों, इस मरहले में जबकि पैगंबर की रहलत हुई और मौले मुत्तकियान को जो पैगंबर इकराम इस्लाम ने वसीयतें दी कि मुझे गौसल भी खुद दीजिएगा, कफन भी खुद पहनाइएगा, मैं कल अर्ज करूंगा आपकी खिदमत में, किसने खत्मी मर्तबत की कब्र खोदी, किस तरह से खत्मी मर्तबत का जनाजा पढ़ा गया, कितने दिन तक आपके लिए नमाज जनाजा का एहतमाम रहा, कब आपको दफन किया गया, ये जुज़ियात मराहिल एक हद तक जितना जरूरत समझेगी बयान करूंगा। लेकिन इसी असना में खिलाफत को उसके मसीर से हटा दिया गया, वो कोशिशें जो पहले से जारी थी उनमें कामयाबी हासिल हो गई और बहुत महारत से सकीफा बनी सादा में जो ओहदों को तकसीम किया गया। देखिए ये सब इजमाई बातें, ऐसा नहीं कि मैं किसी एक तारीख की किताब से एक बात उठा के कह रहा हूं, ना, हदीस में भी और तारीख की किताबें अटी हुई है, सबका इजमा है, किसी एक मुसलमान मुफक्किर दानिश्वर को, आलिम और मुअर्रिख को इससे इख्तलाफ नहीं। सकीफा बनी सादा में ओहदों की तकसीम, एक शख्स को खलीफा मुंतखब किया गया, अब्दुल्लाह बिन उस्मान बिन आमिर को, जिन्हें दुनिया अबू बकर के नाम से जानती है। एक फर्द को चीफ जस्टिस मुअय्यन किया गया जो बाद में दूसरे खलीफा बने, और एक फर्द को वजीर खजाना मुअय्यन किया गया जिनका नाम तारीख ने अबू उबैदा जर्राह लिखा। अलबत्ता शहीद बाकरो सदर फरमाते हैं कि सकीफा में ओहदों की तकसीम बता रही कि सब कुछ पहले से तय था, प्री प्लान था। और उसके बाद अब्दुल फत्ताह अब्दुल मकसूद मिस्र के मायानास आलिम, मुआसिर आलिम, बहुत बड़ी इल्मी शख्सियत है, 100 से ज्यादा किताबें लिखी इन्होंने, इन्होंने बैत पर और सकीफा पर मुस्तकिल एक किताब लिखी। कहा कि एक तबके की कज रवी और कज अंदेशी और सादगी के बायस किसी फर्द की खलीफा की सकीफा बनी सादा में बैत हुई और वहां से ये अफराद चल पड़े मदीने की गलियों में, और जो फर्द भी सामने आ रहा था गली से गुजरते हुए, इस भीड़ के सामने आता था, फौरन से उसका हाथ उठाकर इस नौजाद खलीफा के हाथ पर रख दिया जाता था और कहा जाता था कि अब तुमने खलीफा वक्त की बैत कर ली बगैर किसी वास्ते और वसीले के, अब मोहतात रहना इस बैत की निस्बत और इस पर पायबंद रहना और इसे तोड़ने से खायफ रहना। जितने भी तबकात हैं अंसार, मैं बस इशारे कर रहा हूं, तमहीद उस्तवार हो जाए, मैं कल से अपनी बात आगे बढ़ाऊंगा, और एक एक इकदाम फातिमी पर हम रुक कर सैर हासिल गुफ्तगू करेंगे। अंसार जो मौला मुत्तकियान के हमनवा बन सकते थे, जिनसे सैयदा ज़हरा ने मस्जिद नबवी में इशारा करके शिकवा किया कि मुझे तुमसे ये तवक्को नहीं थी, आखिर क्या हुआ कि अंसार बैत करने पर मजबूर हो गए।
اس لیے کہ پہلے سے انصار سے متعلق ایک ذہنی آمادگی موجود تھی۔ بنو امیہ کو خریدا گیا کیسے، میں نے سال گزشتہ عرض کیا اور چند باتیں اضافہ کروں گا اس دفعہ تاکہ باتیں آگے بڑھ سکیں۔ ان تمام حالات میں وہ عظیم الشان اعلان جس سے متعلق امام پنجم فرماتے ہیں کہ تاریخ انسانی میں نہ کوئی اعلان غدیر کی طرح اس سے پہلے ہوا نہ قیامت تک ہو سکے گا۔ اتنا بڑا اعلان کیسے بلا دیا گیا، کیسے فراموش کر دیا گیا؟ وہ شیخ سعدی نے کہا، چون صحابہ ہو بے دنیا داشتند، مصطفیٰ را بے کفن بو گزاشتند۔ اس صورتحال میں اگر کوئی بھی آواز اٹھاتا اس نئی حکومت بننے کے بعد تو اس کی آواز کو ہمیشہ کے لیے گلے میں دبا دیا جاتا۔ مالک بن نویرہ جلیل القدر صحابی، ان کی زندگی پڑھیے، حافظ قرآن اور اپنے قبیلے کے سردار، مارا گیا اور ان کی زوجہ کے ساتھ کیا سلوک روا رکھا گیا، اسی رات ان کی خاتون کے ساتھ کسی اور نے عقد کر لیا اور اسے خطا اجتہادی کا نام دیا گیا۔ آج آپ دیکھ لیجئے کہ مالک بن نویرہ جیسی برجستہ شخصیت کو تاریخ کی کتابوں باغی کی حیثیت سے پہچانا جاتا ہے۔ کوئی بھی فرد اور کوئی بھی شخص اس موقع پر اٹھتا اس کی آواز کو دبا دیا جاتا اور اس کی آواز کبھی بھی مؤثر نہ ہو سکتی۔ میرے عزیزوں، ایک آواز ایسی تھی کہ حزب حاکم کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، اس لیے کہ حزب حاکم نے ہر امکانی خطرے سے نمٹنے کے لیے چارہ جوئی کر رکھی تھی کہ اگر انصار ہمارے خلاف اٹھے تو انہیں کیسے خاموش کریں گے، کیسے لاجواب کریں گے، بنو امیہ کو کیسے اپنے ساتھ شامل کریں گے، باقی طبقات کو کس طرح سے، مہاجرین کو کیسے کنٹرول کریں گے۔ ہر امکانی خطرے کی چارہ جوئی حزب حاکم کے پاس موجود تھی اور بہت مطمئن تھے کہ ہمارے اقتدار کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا، لیکن حزب حاکم کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ خود نبی زادی ان کے سامنے آ کر علم جہاد بلند کر سکتی۔ اگر کوئی معمولی آواز ہوتی اسے گلے میں دبا دیا جاتا، لیکن اتنی قوی آواز تھی فاطمہ زہرا کی جو 14 صدیوں کا سفر عبور کر کے ہر بیدار انسان تک، ہر باشعور انسان تک، ہر باضمیر انسان تک مسلسل پہنچ رہی ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے عقیل بھائی کہہ رہے تھے کہ پہلے ایام فاطمیہ میں اتنی مجالس نہیں ہوتی تھیں جتنی اس سال دیکھنے میں آ رہی، ہر طرف مجالس کے اعلانات، یہ وہ بیداری ہے، یہ وہ صدائے فاطمہ ہے۔ مجھے وہ لمحات نہیں بھولتے سال گزشتہ جب آخری مجلس تھی اور شدت سرما کے باوجود برستی ہوئی بارش میں لوگ کھڑے ہو کر کتنی دیر تک سیدہ زہرا کی بارگاہ میں اشکوں کا خراج پیش کر رہے تھے، اس لیے کہ دنیا سمجھ رہی ہے بشریت کی سب سے بڑی محسنہ جس نے نبوت کو بچا کر، جس نے امامت کو بچا کر، جس نے ولایت کو بچا کر قیامت آنے والی نسلوں کے لیے ذخیرہ کر دیا، وہ فاطمہ زہرا ہے۔ آج پہلی مجلس ہے، اس کے باوجود احباب مومنین عزیزان اپنا راحت و آرام چھوڑ کر، مصروفیات چھوڑ کر بڑی تعداد میں تشریف فرما ہے۔ میرے عزیزو، حسرت ہے ایام فاطمیہ کو اس طرح سے منایا جائے جیسے محرم مناتے ہیں، جیسے عاشور کی مجالس برپا کرتے ہیں، اس لیے کہ کربلا کی پہلی شہیدہ خود مادر حسین ابن علی سیدہ زہرا ہے۔ اگر آپ کے دربار جائے بغیر مقصد خدا بچ سکتا تو اللہ اپنے سب سے بڑے راز کو کبھی آیا نہ فرماتا۔ جبکہ علی متقی ہندی نے کنز العمال جو اہل تسنن کی حدیث کی تمام کتابوں کا نچوڑ ہے، 23 نمبر جلد میں یہ حدیث لکھی ہے کہ میدان معاشر میں جب نبی زادی کی سواری داخل ہوگی تو اللہ فرمائے گا اہل معاشر سے، غضوا ابصارکم، اپنی آنکھوں کو بند کر لو، ونکسوا رؤوسکم، اپنے سروں کو جھکا لو۔ اہل معاشر سوال کریں گے، کیوں پروردگار، کیا ہونے جا رہا ہے؟ خدا فرمائے گا، اب میرے حبیب کی بیٹی فاطمہ زہرا درمد میدان معاشر میں آ رہی ہے۔ یعنی اللہ کی غیرت کو یہ گوارا نہیں ہے کہ قیامت کے دن کوئی نبی بھی آنکھ اٹھا کر فاطمہ زہرا کی طرف دیکھے۔ یہ مشیت خدا ہے، یہ مشیت پروردگار ہے۔ تو مشیت فاطمہ کیا ہے؟ مشیت فاطمہ وہی ہے جو اللہ کی مشیت ہے۔ ہم تک یہ بات پہنچانے کے لیے اور ہمیں سمجھانے کے لیے پیغمبر نے سیدہ سے پوچھا، اے فاطمہ بتائیں آپ کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ جب پیغمبر نے پوچھا، سیدہ نے جواب دیا، بابا صرف ایک خواہش ہے،
कौन सी बाबा जिंदगी में कभी कोई नामहरम मुझे ना देखे और ना मैं किसी नामहरम को देखूं। अगर अल्लाह की मशीयत भी यही है, फातिमा जहरा की मशीयत भी यही है, तो आखिर क्या वजह है हमेशा घर की चार दीवारी में रहने वाली और घर की चार दीवारी को अपने लिए मौजू और मुनासिब समझने वाली फातिमा क्या हुआ कि एक दिन अपना घर छोड़कर भरे दरबार में हजारों अजनबियों के सामने आ गई। अगर फातिमा जहरा को मीरास चाहिए, फतक चाहिए, तो हिजब हाकिम को, वक्त के हाकिम को अपने घर बुला सकती हैं या खुद उसके घर चली जाएं? ये इतने अजनबियों के सामने क्यों जा रही है? मसला फदक नहीं है, मसला उस अजीम तरीन इलाही अमानत को कयामत तक के गयूर इंसानों तक पहुंचाना है। इसलिए नबी जादी घर से चली है इस हाल में कि एक बेटे को साथ लिया, एक बेटी को साथ लिया, बीबी या दोनों बेटों को ले जाएं, दोनों बेटियों को ले जाएं, या सबको छोड़ दें। ना हसन को घर में छोड़ा, हुसैन को साथ लेके जा रही है, उम्मे कुलसूम को घर में छोड़ा, जैनब को साथ लेके जा रही है। हुसैन को क्यों साथ लेके गई? इसलिए हिज्ब हाकिम को मुतवज्जे करने के लिए कि हुसैन जब भी रसूल के सामने आते थे, इस हुसैन को देखकर वारिस हदीस रसूलुल्लाह मिंबर से नीचे उतर आते थे। अब इस हुसैन की मौजूदगी में किसी झूठी हदीस का सहारा लेने की कोशिश न की जाए। दो बेटियां हैं, ज़ैनब उम्मे कुलसूम, दोनों को ले जाएं या दोनों को घर छोड़ जाएं? उम्मे कुलसूम को घर में छोड़ा, ज़ैनब बिनते अली को साथ लेके गई। क्यों? 61 हिजरी की करबला में जिस बेटी ने खामोश रहना था उसे घर में छोड़ा, और जिस बेटी ने अपनी मां के लहजे में अपने जमाने के हुक्मरान को ललकारना था उसे फातिमा जहरा साथ लेके गई, ताकि ज़ैनब सीख ले कि अपने दौर के हुक्मरानों को कैसे ललकारा जाता है। मां बेटियां दोनों साथ गईं, दोनों साथ गईं। आज ज़ैनब अपनी मां फातिमा जहरा के साथ दरबार में जा रही हैं, और 50 साल गुजरने के बाद यही बीबी अकेले दरबार जाएंगी। फर्क ये है, मां एक दरबार में गई थी, बेटी दो दरबारों में गई। मां सहाबी के दरबार में गई थी, बेटी शराबियों के दरबार में गई। मां जिस दरबार में गई वो घर से बहुत करीब था, बेटी को दरबार में पहुंचने के लिए 1400 किलोमीटर का फासला तय करना पड़ गया। और क्या फर्क था? और मां और बेटी के दरबार में जाने का क्या फर्क था? वो बेटी ने खुद दरबार से वापसी पर बताया। जब सानिया जहरा शाम से वापस मदीना पहुंची, पहले कब्रे रसूल पर गई, और कब्रे रसूल से रुखसत होने के बाद बाकी सारी बीवियों के हमरा सानिया जहरा अपनी मां फातिमा जहरा की कब्र पर गई, लेकिन सानिया जहरा दूर एक खलबत में बैठ गई, और बाकी सारी बीवियां सैयदा जहरा की कब्र पर आकर इस तरह से गिरिया शुरू किया कि पूरे मदीने में बीबियों के गिरिए की आवाज बुलंद हो गई। यहां तक कि एक एक करके जब सारी बीबियां कब्र फातिमा जहरा से अलग हो गई और कब्र सैयदा जहरा पर खलबत हुई, अब सानिया जहरा ज़ैनब बिनत अली आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए अपनी मां फातिमा जहरा की कब्र पर आई, और सुने के आने के बाद क्या जुमले गए? कहे, मां आप भी दरबार गई थी, आपकी बेटी भी दरबार गई थी, लेकिन ए मां जब आप दरबार गई थी आप चादरों के हिसार में थी, आपके सर के ऊपर भी चादर मौजूद थी, लेकिन ए मां मुझे नंगे सर यजीद जैसे शराबी के साथ। अजर को मल्ला
اجرکم علی اللہ. اے ماں آپ کی بیٹی زینب کو ننگے سر یزید جیسے شرابی کے ساتھ گفتگو کرنا پڑی. اے ماں میں اس لمحے کو کبھی نہیں بھلا سکتی جب یزید تخت پر بیٹھا تھا اور اس کے قدموں میں تخت کی نچلی سیڑھی پر آپ کے بیٹے حسین کا سر تھا, وہ حسین جسے آپ نے چکیاں پیس پیس کے پالا تھا. اے ماں یزید شراب پی رہا تھا اور بچ جانے والی شراب اجرکم علی اللہ اجرکم ربکم اجرکم علی الفاطمہ اجرکم علی السیدہ. پروردگار ان آوازوں پر رحمت نازل فرمائے.